बेटा मैं खाता हूँ, पर लगाता भी हूँ। कहाँ है वो लोग? वो लोग नहीं आ रहे हैं। मेरी नजर में अभी भी एक लड़का है जो तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा। बात जब इन्हें जाहिद मियां को नायला की शादी जैस के लिए ढेर सारा पैसा दिया है, सीधा खरा नकद सौदा है। वकार मंसूर वाली मंसूर खान, आपको नायला जावेद बिनते जावेद अहमद शरे हक महर अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। पहाड़ में जाओ तुम, नहीं करनी मुझे तुमसे मोहब्बत, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। तुम कहाँ भाग रही थी मुझसे? मैं कहीं नहीं। तुम्हें लगता है तुम आजाद हो गई? उस जाहिद की मोहब्बत ने तुम्हें बड़ा निडर बना दिया। तुम इस घर की दहलीज पार करने के लिए पर तोल रही थी मैं जबीन। सीढ़ी साहब कटे हुए पर तोले नहीं जाते। अच्छा है। चाहे तुम हकीकत पसंद हो, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें बांधा हुआ, कैद किया हुआ है? हालांकि ये तुम्हें उस फरेबी दुनिया से महफूज रखे हुए हैं। महफूज या पाबंद? ना शुक्री मत बनो। आकर औरत है ना, औरत होती ना शुक्रिया। आप मर्द लोग भी खूब होते, पहले डराते और फिर खुद ही मुहाफिज बन जाते, खुद ही चोरी करते और फिर इज्जतों के चौकीदार। वाह, कभी जालिम कभी मसीहा, ये खौफ से कैसे निजात दिलाते हैं आप मर्द लोग हम औरतों को, कि खौफ ही हमारी पनाह और हमारी कैद बन कर रह जाता है। ये खौफ से निजात तो ना हुई, ये तो सरासर झूठ हुआ। जाओ जाओ निडर और दिमाग, चख लो मजा उस जाहिद की भाई का। देखा, आप फिर मुझे खौफ से कर रहे हैं। देखिए ना, नहीं चाहिए मुझे जाहिद, क्योंकि मैंने उसका भी असल चेहरा देख लिया।
क्या क्या देख रही? यही कि तुम भी हर मर्द की तरह निकले, जालिम और शक्की, जो औरत पे कभी भरोसा नहीं करता। ना तुम औरतें क्या करती हैं? हमारा दिया हुआ खाती है पर मजलूम बनके हमारी पीठ में छुरा घोंप देती हो, धोखा देती हो। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अच्छा तो फिर ये क्या कर रही? अपने मरहूम शौहर की लाश तक तो रखी नहीं तुमने, जिसकी दौलत की दम पे मुझे खरीद लिया तुमने। मैं तो बेवा हूँ, तुम मर्द क्या करते हो? जीते जी हम औरतों के सरों पे सौतनला बिठाते हो। वाह, और तुम लोगों पे तो कोई तोहमत भी नहीं लगती। मुझे दूसरी शादी करने का, जिंदा रहने का, मोहब्बत करने का खुदा ने हक दिया। मोहब्बत भूल रही हो शायद, मोहब्बत नहीं है ये, कागजी रिश्ता है, सौदा है। झूठ है, सरासर झूठ। खुदा जानता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तो दिल की बात आखिर ज़बान पर आ ही गई। मत मत करो मुझे परेशान। बेवा बहुत फरेबी हो, धोखेबाज। नहीं, और तुम क्या हो? एहसास से गुनाह में जकड़े हुए शक्की और सालिम आसे, और तुम जाहिर जो मेरी घुटी हुई जिंदगी में एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन तुम वो नहीं हो। तुम भी ये खुद गर्ज मर्द निकले, जो अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता वो मेरी क्या इज्जत करेगा? जो खुद अना और शक में जकड़ा हुआ है वो मुझे कैसे आजाद कराएगा? कभी भी नहीं। बीच अपरातन भी यही चाहती थी ना, अब मैं भी यही चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती, न कागजी न हकीकी। जाओ मेरी जिंदगी, चले जाओ, चले जाओ यहां से यार, जाओ, चले जाओ, चले जाओ। नहीं चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए। औरत की गलती एक बीज की तरह होती है, लाख ठक दो, मिट्टी में दबा दो, जैसी मी बरसता है एक नए नवेले पौधे की तरह फूट पड़ती। परसों पहले तुमने घर छोड़ा था, आज उसका खैमियाजा तुम्हारी ही बेटी को भुगतना पड़ रहा है। औरत हो ना, गलती मेरी ही गिनी जाएगी, गलती चाहे किसी की भी हो। शायद मेरे नसीब में सब कुछ होना लिखा। वो बंधे हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, अल्लाह को तो सब मालूम है ना अम्मी। इंसान हूं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन मुझे तो गलती करने का मौका भी नहीं मिला। पहले ही सजा मिल गई,
ऐसे मत हंसो, मुझे वहशत हो रही है तुम्हें देख के। रू नहीं, हंसू नहीं, तो और क्या करूं? सांस भी ना लूं। साबित कदम रहो बेटा, मुझे पता है तुमने अपने भाई का एतबार जीतने की खातिर विकी जैसी आंखों देखी मक्खी निकली है। अपने घर की दहलीज पर खड़ी खुशी को कुर्बान किया है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। मुझे कोई अजर नहीं चाहिए पुप्पो, बस भाई से एक बात कहिएगा, मेरे यहां से जाने के बाद ना शक और नफरत का पल्लू छोड़ दें। अम्मी को इज्जत नहीं दे सकते तो अम्मी को माफ ही कर दें, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि भाई की खातिर जो उम्र कैद मैंने खुद पर मुसल्लत की है ना, रायगा चली गई। ये क्या कर रहे हो साहिब? ये क्या है? रकम है जो शिवरात्रि खाने से तय हुई थी। नहीं, ये मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं रख, तुम जिद कर रहे हो तो मैं ले लेता हूँ। अभी बस इतने का इंतजाम कर सका, बाद में और हुआ तो कर दूंगा। यार विकी, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। यार मेरी बहन का ख्याल रखना। अरे साहिब, क्या बात कर दी यार। अरे वो विकी की बीवी बनने जा रही है, विकी की। और विकी की बीवी कभी नाखुश रह सकती है? शुक्रिया। मैं मेहमानों को देख कर आता हूँ। क्या मेरा हिस्सा? हाँ अभी दे दूँ मैं सारे नकद। है तो तुझे नहीं मिले अभी सारे नकद? खुदा की कसम, किसी पे तो भरोसा कर लो इस दुनिया में। मैंने अपने बाप पे कभी भरोसा नहीं किया, तुझ पे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तेरा क्या भरोसा? निकल मेरे पास। ऐसे कसम से जिस बकरे की कुर्बानी कर रहे होते ना, थोड़ी देर उसकी इज्जत भी कर लेते। कर रही हो इज्जत बकरे की शक्ल वाले? मुझे ये पता, ये तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? इतने ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं, लड़की भी अच्छी खासी शक्ल और सूरत की है, दोनों की तो ये पाँच खिली होगी। तुझे किस चीज़ की परेशानी बता? तुको को कोई परेशानी नहीं, और ये लेक्चर ना मेरे बजाय अपनी बेटी को जाके दो, ताकि वो मोहल्ले में कर्तव्य ना करती फिर। इधर से क्योंकि ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटी के बारे में बकवास करेगा तो ये जुर्माना होगा। अभी क्या, अभी मेरी बात सुनो, तुम्हें तुम्हारा हिस्से मिलेगा, पैसे वापस दो। मैं चला जाऊंगा। ये बाद में मुझे मेरा पूरा हिस्सा देना। हाँ दे दूंगा। चला जाओ, जल्दी आना। अच्छा हाँ अब तो आपके पास तसल्ली के लफ्ज ही नहीं हो। महिला बीबी ने विकी को कबूल कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। सही कह रहे हो शफी, वाकई सब खत्म हो गया, मगर नायला की वजह से नहीं, जाहिद की वजह से। वो बेचारी तो खुद एक जिंदा लाश की तरह अपनी खुशी कुर्बान करी अपने भाई के खातिर। जाहिद ने बहुत जुल्म किया उसके साथ, तुम देखना उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अली बीबी एक बात तो बताए, अगर जुल्म खत्म भी हो जाए, जालिम को सजा भी मिल जाए, तो मुजलिम को क्या फायदा? जो छीनना था वो तो छीन गया ना। हाँ ठीक कह रहे हो, तो लड़की के लिए जबरदस्ती निकाह, जबरदस्ती शादी मौत से भी बदतर है। और अगर नायला अपनी मोहब्बत दफन कर सकती है ना अपने दिल में, तो जाहिद को भी पूरी जिंदगी तनहा ही रहना है। चकूर में उससे सारे रिश्ते तोड़ के आई, छोड़ दिया मैंने उसे। ये क्या कह रही हैं आप?
मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे और नायला बीबी के किस्से में शायद भाई आपको खो देंगे। उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने कितनी कीमती शय खो दी है। वो बाकी अब तन्हा हो गया। बहन का प्यार तो खोया ही खोया, सच्ची मोहब्बत करने वाला दिल भी खो दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता शकुर, वो पत्थर दिल है मेरी माँ से भी ज्यादा। और वैसे भी मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती जिसके दिल में कोई रहम ही ना हो। दर्द तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, अफसोस तो हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो आपको कोई फायदा नहीं। जो इंसान अपनी आना के खातिर किसी पर रहम नहीं कर सकता ना, खुदा उस पर रहम नहीं करता। आलिया बीबी, क्या आप जाहिद भाई से वाकई मोहब्बत नहीं करती? हाँ, नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। देखो शकुर, मेरी बात गौर से सुनो, तुम अपने साथ कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। मैं 24 घंटे तुम्हारी रखवाली नहीं कर सकती। खुदा का वास्ता, नायला के खातिर, उस बेचारी को तुम्हें बुलाने में और इस रिश्ते को निभाने में बहुत हौसले की जरूरत है। देखो मुझसे वादा करो, हाँ, तुम अपने साथ ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। वादा करो मुझसे शकुर, मैं तुमसे बात करी, वादा करो मुझसे। जी अब चलती हूं मैं, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अब विकी ही तुम्हारा शोहर है, उसका घर अब तुम्हारा ही है। जैसे रखे हंसी खुशी रह लेना। खुदा हाफिज़। चलो चलो, बहुत देर हो गई है, बहस बहन को रुखसत करो दुआओं में। चलो आओ, चलो। हाँ हाँ, हो गया, चलो भाई, आज आओ, आज 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 अम्मी, तुमने मुझे आवाज दी। खाली घर से डर लग रहा है ना तुम्हें? तुम कहते हो तो मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे पास। रुक जाए।
आओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार चाबी चाबी का रख दी थी मैंने, सॉरी। हाँ ये मिल गई, सॉरी वो मैं अकेला रहता हूँ, चीजें खाएं कुछ याद ही नहीं रहता। एक थोड़ा थोड़ा जंग है इसमें, ऐसे खुलता है जरा फंसा हुआ है। खुल जा, खुल गया। आओ आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ आ जाओ। सॉरी बहुत गंदी बू आ रही है ना, असल में काफी दिनों से सफाई नहीं हुई। आओ तुम आओ बैठो बैठो यहाँ यहाँ बैठो आ जाओ। मैं ऐसा करता हूँ कि बस दो मिनट में कमरा साफ कर देता हूँ, फिर तुम यहाँ आराम से बैठ जाना। सॉरी मैं ये उठा देता हूँ, असल में वो रानी हफ्ते में चार दिन आती ही नहीं। अब कुछ बेहतर हो गया, अब मैं कुछ देर में आता हूं, यहीं बाहर ही हूं, तुम आराम कर सकती हो। सब क्या कर दिया तूने विकी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब इस झमेले से निकलेगा कैसे तू? शायद ये प्लान ठीक है, करता हूं कुछ। तुम यहां पर आराम से क्यों नहीं बैठी? ओ वो मैं जी जी मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। ये आप क्या कर रहे हैं? माफ कर दो, आप ऊपर बैठें प्लीज। मेरा दिल डूब रहा है। ये क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मेरे दिल बहुत नाजुक, मुझसे ये जुल्म ना हो पाएगा। मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ की गई है, और ये भी जानता हूँ कि तुम तो शकूर से। प्लीज ऐसी बातें मत करें, ऐसा मत बोलें। क्यों? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? ये सच तो है ना? मेरा जो कुछ भी है वो आप ही हैं। मैं कसम खा के कहती हूँ मैं पाक दामन हूँ, प्लीज मत ऐसा इल्जाम मत लगाएं। अरे नहीं 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 रोना मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे एहसास है तुम्हारे दर्द का, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ऐसा मत कीजिए, मैंने बहुत मुश्किल से अपने भाई का सर झुकने से बचाया, ऐसी बातें करेंगे तो वो फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करने लगा,
और देखो तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया और तुम फिर भी उसी के बारे में सोच रही हो। मुझे तो शदीद गुस्सा आ रहा है उस पर। मुझे भी डरा धमका के मुझसे इतना बड़ा जुल्म करवाने जा रहा था, ये सब जानते हुए भी। क्या जानते हुए? यही जानते हुए कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसे हासिल करने के लिए उसने उसने तुम्हें मेरे पल मेरा मतलब मुझे तुम्हारे पल्ले बांध दिया। आज तुमने मुझे मायूस नहीं किया, शुक्रिया। मैं जानता हूं तुम्हें कभी भाई वाला प्यार नहीं दे सका जिसकी हमेशा से तुम्हें उम्मीद थी। मुझे बहुत अफसोस है मगर मैं अब्बा की दी हुई कसम के हाथों मजबूर था। दुआ करता हूं कि तुम खुश रहो, आबाद रहो। आप बता क्यों नहीं रहे, आप किसकी बात कर रहे हैं? आलिया की? अरे तुम नहीं जानती कि मेरी और उसकी आलिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही है। लेकिन आलिया तो जाहिद भाई। अरे वो एक नंबर का घनचक्कर आदमी है वो, और तुम इतनी भोली और मासूम हो कि उसकी बातों में आ गए। तुम्हारे भाई ने एक तीर से दो शिकार किए, एक तुम्हारा और एक मेरा। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। ऐसे कैसे, हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आप क्या करेंगे? हमारी शादी। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैंने प्रेशर में आके तुमसे शादी कर ली। तुम्हारा भाई तुमसे शादी के लिए जितने पैसे मुझे दे रहा था ना, उतने पैसे किसी को भी देता तो तुमसे शादी कर लेता। लेकिन ये तो मैं हूं एक नर्म दिल इंसान, तुम्हारा एहसास हो गया मुझे, तुम्हारी तुम्हारी हमदर्दी के लिए तो कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं समझाता हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम शगूर को हासिल कर सकती हो। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप क्या बातें कर रहे हैं? देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम सुबह उठोगी ना तुम्हें सब डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है? अभी देखो बहुत रात हो गई है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं यहाँ कहीं सो जाऊँ, हैं? वो बाथरूम है, तुम वहाँ जाके कपड़े चेंज कर सकती हो। तुम्हारा बैग तो बाहर रह गया, कपड़े उसी में होंगे, मैं लेके आता हूँ। आओ शाहिद। वो शबरातन खाला ने बुलाया था हज की तैयारी करने के लिए। मैंने अपनी बहन की शादी का फर्ज अदा कर दिया और आपने अपना वादा। बहुत शुक्रिया। अब जो बकाया रह गया उसे मैं पूरा करने आया। अच्छा हुआ तुम शबरातन आपा के आने से पहले आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आलिया या नाइला के मुतालिक है तो? नहीं, बात मेरे मुतालिक है। जी कहिए। जाहिद मैं कहना चाहती हूँ कि कह दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे दो। ये तो हद से वापसी पे बैरी तय था।
मैं शुरू से जानता था कि हमारे दरमियान जो ये खामोश समझौता है वो निकाह के दिन तय हो गया था। लेकिन मैंने ऐसा कोई समझौता नहीं किया था। मैंने निकाह पूरे खुलूस से और नेक नियत से किया था। आप फिक्र ना करिए, मैं वापस आते ही आपको वापस आकर नहीं अभी से अभी क्या मतलब है आपका? ये सारा मामला, मेरी बहन की शादी या खर्चा, ये सब? हाँ तो तुम उसको मेरी तरफ से नायला की शादी का तोहफा समझो, लेकिन मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। अब ये क्या कह रही हैं आप? जलील कर रही हैं मुझे। ये कोई नौकरी थी क्या? मुझे पैसे दिए और आप फारिग कर रही हैं? जो भी समझ लो जाहिर, लेकिन अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। फिर जब आपने मेरे साथ सब कुछ किया, ये सब क्या था? मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए माजमीन जी। मैं फैसला कर चुकी हूँ जाहिर, मुझे तुमसे तलाक चाहिए अभी इसी वक्त। ठीक है, लेकिन मैं आपकी पाई पाई लुटा दूंगा, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको तलाक नहीं दूंगा। तब तक आप मेरे निकाह में रहेंगी। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, आप मेरी तजलील कर रही हैं। तजलील? ये क्यों नहीं कहते जाहिद कि तुम्हारी अना तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंच रही है एक औरत के ठुकराए जाने पर? ठुकराया जाना क्या होता है, आप सारी उम्र महसूस नहीं कर सकेंगे। और जिसके बहकावे में आप सारी बातें कह रही है ना मुझे, उससे सारी उम्र ठुकराए जाने का मजा चख चुका हूं मैं। खैर जो भी है, मुझे सिर्फ ये बात मालूम है कि आपने मुझे एक काम करने के पैसे दिए थे, आपने अपना वादा पूरा किया, तो मैं आप ऐसे कैसे? मैंने वो पैसे तुम्हें नायला की शादी के लिए दिए थे, उसकी खुशी के लिए, उस पे जुल्म करने के लिए नहीं। और मुझे पता होता कि जाने अनजाने में मैं जुल्म का हिस्सा बन रही हूँ तो फिर मैं ये समझौता कभी ना करती। मुझसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, लेकिन अब नहीं। मैं तुमसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रख सकती, ना हकीकी ना कागजी। जो मर्द औरत की इज्जत ही ना करता हो उससे मेरा कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी तुम्हारी बहन तुमसे इतनी मोहब्बत करती रही और आज तक तुम्हें यह बात महसूस ही नहीं हुई। मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। कितनी अजीब बात कर दी तुम साहब, कितने खुशनसीब हो तुम, इतने दिल तुम्हें चाहते। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन आलिया और बहुत अफसोस होता है जाहिर मुझे, तुम अपनी बहन की आंखों में आज तक वो अकीदत, वो मोहब्बत, वो उम्मीद महसूस ही नहीं कर पाए जो मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया। साहब इतने सारे, मैं तो इतने सारे मिजान के साथ नहीं रह सकती। तुम मुझे बस अभी तलाक दे दो, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती जाहिद। तुम मुझे अभी तलाक दे दो, दे दो मुझे तलाक जाहिद, दो तलाक मुझे। हम आज भी क्या हो गया? हम दिमाग तुरे फिर गया, क्या बोल रही है तू? जाहिद मियां तुम ही बोलो, क्या ड्रामा है ये? तेरी मर्जी है अगर ये तो गिला
कुछ भी नहीं। बोलते क्यों नहीं दोनों? तू अगर मिल ना सका तो फिर मिला कुछ भी नहीं। तू इशारा जिंदगी का, तू ही मौत मेरी, तेरी खातिर जी रहे हैं ये सिरा कुछ भी। Maja Bean? Maja Bean?